नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। एसटीएफ ने आंसू यादव हत्याकांड में आरोपी गैंगस्टर प्रेमी प्रेमिका को सुजातगंज पुल के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस हत्याकांड के दो आरोपी पहले से ही जेल में हैं। ये दोनों प्रेमी प्रेमिका भी हत्या में आरोपित हैं और पिछले 6 महीने से पुलिस के साथ आंख मिचौली कर रहे थे। पुलिस ने तंग आकर इन दोनों पर 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया था। एसटीएफ ने इन दोनों को गिरफ्तार कर हरबंस मोहल थाने ले आई है, जहां कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद इन दोनों को जेल भेज दिया गया है। रेल बाजार निवासी आशू यादव की पिछले साल 31 दिसंबर को हत्या कर दी गई थी। पुलिस को उसका शव बर्रा में उसके कार के अंदर मिला था। पुलिस ने मामले का खुलासा कर किदवई नगर में रहने वाले सचिन वर्मा और किशन वर्मा को जेल भी भेज दिया था। पुलिस ने बताया कि आंसू के संबंध कानपुर देहात के सिवली में रहने वाले गैंगस्टर दीपिका शुक्ला से थे। दीपिका के संबंध हरवंश मोहाल में रहने वाले अमित गुप्ता से भी थे। दीपिका ने आंसू से दूरियां बढ़ाने की कोशिशें करनी शुरू कर दी, लेकिन आंसू उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। तंग आकर दीपिका और अमित ने साजिश रची। दीपिका ने आशु को अपने घर बुलाया और अमित के साथ मिलकर उसका गला घोटकर हत्या कर दी। एसटीएफ इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि इन दोनों की गिरफ्तारी सर्विलांस की मदद से की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।